बिहार के पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने दाऊदनगर के गो और गया रोड के एम हॉस्पिटल का उद्घाटन फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, विधि व्यवस्था के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। बिहार सरकार बजट में 18% से भी अधिक राशि शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कर रही है। बजट का 52,639 करोड़ रुपया शिक्षा के क्षेत्र में खर्च हो रहा है। किसी भी राज्य की तरक्की का मूल मंत्र दवाई, शिक्षा, सड़क, बिजली होती है। 2005 में जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो बजट का आकार बहुत छोटा था, लेकिन सीमित संसाधन के बावजूद 2024 से 2025 में 25,337.17 करोड़ संपूर्ण बजट हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 14,932.09 करोड़ का बजट है। बिहार में हुई जाति आधारित गणना के दौरान यह सामने आया कि बिहार में 94 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद कर रही है, ताकि वे स्वरोजगार कर अपनी स्थिति सुधार सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आम नागरिक के लिए काम कर रहे हैं, वे परिवारवाद से कोसों दूर है। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील लोगों से करते हुए कहा कि बिहार में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले राशन कार्डधारियों को आयुष्मान कार्ड योजना के तहत क्रेडिट कार्ड मिलेगा, जिससे किसी भी अस्पताल में 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। बिहार सरकार अलग से आयुष्मान कार्ड बना रही है। अस्पताल के डायरेक्टर अखिलेश कुमार और डॉक्टर मधुकर ने अतिथियों का स्वागत किया। इनके द्वारा बताया गया कि पटना के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा इमरजेंसी सुविधा के साथ गुणवत्तापूर्ण इलाज की व्यवस्था की गई है। मौके पर अरवल के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता पूर्व प्रत्याशी अजय कुशवाहा, विकास कुमार, सत्येंद्र कुशवाहा, पैक्स अध्यक्ष विनोद सिंह, विजय कुमार, टुन मेहता, डॉक्टर नीता कुमारी, डॉक्टर विशाल कुमार आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उद्घाटन से पहले पूजा पाठ किया गया। कार्यक्रम का संचालन संतोष कुमार नवीन ने किया। तक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में आमूल चमूल परिवर्तन हुआ है। और एक और बताना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र पर सबसे ज्यादा बिहार सरकार ने अपनी बजट की राशि किया है, लगभग 18% से ज्यादा, मतलब 52,649 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है शिक्षा पर। ये भी शिक्षा और स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, ग्रामीण पथ जुड़ा हुआ है, ग्रामीण सड़क जुड़ा हुआ है। किसी राज्य की तरक्की का मूल मंत्र होता है पढ़ाई, दवाई और रास्ता, बिजली। जिस राज्य में बिजली और दवाई ठीक रहेगा, सड़क ठीक रहेगा, उस राज्य की तरक्की बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम सब आपके चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से एक और बात की सूचना देने के लिए हम जब आए हैं तो बता दें कि राज्य सरकार ने घोषणा किया था कि हम जातीय गणना कराएंगे, और जातीय गणना कराने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि हम आर्थिक भी गणना कराएंगे। और जब आर्थिक गणना हुआ तो उसमें आया कि लगभग 94 लाख लोग, 94 लाख से ज़्यादा लोग, लगभग 1 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, माने उनकी आमदनी 6,000 से सालाना कम है। वैसे लोगों की सरकार ने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, सबके लिए कुछ करेंगे। उस परिवार को, प्रत्येक गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा, उनको आर्थिक मदद दिया जाएगा। वो पैसा लौटाना नहीं है, बल्कि उसे दुकान दौरी करके अपना आर्थिक स्थिति सुधार करनी है। हम लोगों ने सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार आम नागरिक के लिए काम कर रहे हैं, परिवारवाद से कोसों दूर, चोरी चवारी से तो कोसों दूर, और जनहित में उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ग्रामीण पथ के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में,
विधि व्यवस्था के क्षेत्र में आमूल चमूल परिवर्तन हुआ है माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में। इस मामले में हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में 46,000 गांव है और 1,20,000 टोला है। नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है, सभी टोला को सड़कों से जोड़ा गया है और मैं समझता हूँ जितना परिवार है पूरे बिहार में 5.5 करोड़ से ज़्यादा परिवार है। 13 करोड़ की आबादी में 5.5 करोड़ परिवार है और उस परिवार के हर इंसान के घर में, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, सबके घर में बिजली आती है, बिजली जलता। एक जमाना था कि लंटेन से लोग पढ़ते थे, दिया बोतल के दिया बना करके लोग पढ़ते थे, लेकिन आज 24 घंटा में कम से कम 20 घंटा तनिवार बिजली रहता है। मैं नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूँ। 2005 में जब सरकार बनी थी उस वक्त बजट का आकार बहुत छोटा था और आज 24-25 के जो बजट पेश हुआ है बिहार विधानसभा में, पेश ही नहीं बल्कि पास हुआ है, उसका आकार है 2,93,307.17 करोड़, इतना का बजट है। मैं समझता हूँ गरीब राज्य है लेकिन हमारे पास संसाधन हम लोग इकट्ठा किए हैं, इतना राशि हम लोग खर्चा करेंगे 2,53,307.17 करोड़, ये संपूर्ण बजट है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको बताना चाहेंगे 14,932.09 करोड़, भारी भरकम बजट है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजटे नहीं है बल्कि हम लोग खर्चा भी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब आयुष्मान भारत जो भारत सरकार बनाया करती है, अब बिहार सरकार में जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिनको कार्ड है, जिसको राशन मिलता है, उस सभी परिवार को आयुष्मान भारत योजना के तहत उनको क्रेडिट कार्ड मिलेगा जो 5,00,000 रुपया गंभीर बीमारी के इलाज करा सकते हैं किसी भी अस्पताल में। इसलिए मैंने आते आते इनको पूछा कि आप यदि रजिस्ट्रेशन कराइएगा तो उसका लाभ आपको मिलेगा। गांव के ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब होता है उनके पास पैसा कम रहता है। आयुष्मान भारत कार्ड जो बन रहा है बिहार सरकार अलग से बना रही है, भारत सरकार अलग से बना रही है, वो बन जाएगा आम नागरिक का, उसमें आपको फायदा होगा। जो कोई गरीब आएंगे इलाज करेंगे, पैसा नहीं, कार्ड है, आप कार्ड से पैसा ले लीजिएगा।